हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा पाँच, ठीक है, कक्षा पाँच की पर्यावरण अध्ययन का पहला पाठ। हमारी बुक है आसपास, उसका ये पहला पाठ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? पाठ का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ठीक है। क्या नाम पाठ का? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आके फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हो, झट से उसके कान खड़े हो गए हो। खाते खाते तुम से कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो। कुछ ही पल में वहाँ चींटियाँ इकट्ठा हो गई हो। क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। जानवरों में भी देखने सूंघने के महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों से दूर से शिकार को देख सकता है तो कोई हल्की सी आहट भी सुन लेता है, ठीक है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। अन्य जानवरों को भी अजीब दुनिया, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल में वापस दौड़ी आई, ठीक है। क्या किया उसने, दूसरे जब उसको दिखे तो बिल में पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और उसे बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला होगा कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है, ठीक है। तो उसे कैसे पता चला होगा भाई। हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया हो कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया ना आपको, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। किसके कारण? गंध के कारण। करके देखो और लिखो, चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटियां कितनी देर में आई, ठीक है। तो वहां लिखेंगे कुछ ही पल में चींटियों का झुंड आ गया, ठीक है। कुछ ही पल में चींटियां वहां आ गई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले एक चींटी, फिर सारा झुंड, ठीक है। चींटियां खाने की चीज क्या क्या करती हैं? तो यहां लिखेंगे, चींटियां चींटियां खाने की चीज को अपने बिल में जमा करती हैं, ठीक है। वे उस जगह से कहां जाती हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे, वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है, उनके अनुभवों का शामिल करने की रुचि हो जाएगी, अवलोकन होते हैं।
अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको, ठीक है। अब देखो चींटियां कैसे चलती हैं, चींटियां पेंसिल के ऊपर चढ़कर चली पेंसिल के ऊपर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती है। अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरीके कई प्रयोग किए थे। वे नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। तो कैसे पता चल गया ना चींटियां कैसे करती हैं, जो आगे वाली चींटी होती है वह पीछे वाली चींटी को के लिए कुछ रास्ते में छोड़ देती है ताकि उसे पता चल जाए कि यहीं यही वाला हमारा रास्ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल को चींटियों का रास्ता रोका तो उसने व्यवहार का क्या कारण था? चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती हैं, ठीक है, गंध के कारण, ठीक है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा के कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए? सोचो उन्हें कैसे पता चलता हो कि तुम कहाँ हो। तो यहां लिखेंगे मच्छर हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर भी लिखा हुआ है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। क्या तुमने कभी किस कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा? सोचो कुत्ता क्या सूंघता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। लिखो भाई, चलिए। हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे चोर को पकड़ने में, इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, चोर को पकड़ने में, बम ढूंढने में, जब बम के लिए बम कहीं रख देता है कोई तो कुत्ते आते हैं ना, खोजी कुत्ते, बम ढूंढने में, खोया हुआ सामान ढूंढने में, कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन पूरी यहाँ से लिख देनी है। किन किन मौके पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध, उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना, तुम बिना देखे, ठीक है, इनकी हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फूलों की खुशबू, ठीक है, इत्र की खुशबू, ठीक है,
इत्र की खुशबू के लिए भी हम अपनी सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। जैसे कुत्ता, चलिए किन्हीं पांच चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है। ठीक है, जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, चलिए देखते हैं जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं पांच ऐसी चीजों का नाम भी लिखो जिन्हें गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पांच चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं। फूलों की खुशबू, फूलों की, खाने की, स्वादिष्ट खाना बनता है, इत्र की जिसे परफ्यूम बोलते हैं, अगरबत्ती की, ताजी हवा, ताजी हवा भी अच्छी लगती है ना। और तो जो बुरी लगती है हमें स्मेल, वो देखते हैं वो कौन कौन सी है। कचरे की, कचरे में से बदबू आती है ना, छी। ठीक है, और गोबर की, गोबर भी, गोबर में से भी बदबू आती है। ठीक है, नाले की, नाले के पास खड़े होते हैं जब बदबू आती है ना, तो ये हमें बुरी लगती है। सड़ी हुई मछली की, और मूत्र की, मूत्रालय होते हैं जहाँ टॉयलेट होते हैं वहाँ भी हमें गंदी स्मेल आती है। देखो अच्छी स्मेल आ रही है, देखो कितने मजे से कर रही है, और इसको जीभ लपलपा रही है, और जहाँ गंदी स्मेल आ रही है वो देखो अपनी नाक ऊपर कर रही है। चलिए, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? जी हाँ, एक जैसे हैं। चर्चा करो, क्या तुम्हें घर के लोगों के कपड़े में से गंध आती है, किसके? ठीक है, क्या किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है, बताओ कैसा लगा है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ बता लिए। ऐसा क्यों? रजनी जरूर काम से कहीं जा रही थी, जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी छोटी है। मजे की बात यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी लेटरिंग कर दी। बेटी की पॉटी धोने के बाद वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुँह को नाक से दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और क्यों। तो यहाँ लिखेंगे, जब ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, जबकि अपने बेटे की पॉटी साफ करते समय सुशीला ने अपना मुंह ढक लिया। सुशीला अपने बेटे की पॉटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका था, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम्हें कूड़े के ढेर से गुजरते हो तो इसका आंसर ये हुआ कि जब यदि हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये गंदी चीज़ है तो हमें बुरा लगता है तो हम मुंह ढकते हैं, और देखते हैं कि ये हमारी रोज का है, बच्चा हमारा रोज पॉटी करता है तो आपको बुरा नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं। जब तुम्हें कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है, उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे में ढेर से चीजें बीनता है। तो यहां लिखेंगे, उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है। तो यहां लिखेंगे, उसका दिमाग उस गंध का या बदबू का अभ्यस्त हो जाता है, मतलब आदत हो जाती है उसे। ठीक है,
हो जाता है, इसलिए उसे बदबू नहीं आती। ठीक है, चलिए, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना भी सभी के लिए एक जैसा ही होता है, इस पर हमारी सोच का क्या असर पड़ेगा। चलो तो यहां लिखेंगे, अच्छी गंध सभी को अच्छी लगती है। कैसे कैसे दिखा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ठीक है, क्या लिखना है हमें, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखना है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। चलिए देखते हैं, तो उसका नाम है उल्लू। उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, तो यहां लिखेंगे कबूतर, कबूतर चील तथा गौरैया, गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, तो और इनकी आंखें छोटी होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्या, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती हैं, वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखो ये पक्षी देख रहे हैं ना, तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपनी दाई आंख बंद करो, हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे दाई ओर खड़ा होकर एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी को देख पाते हो? तो यहाँ लिखेंगे नहीं, बिना गर्दन घुमाए नहीं देख सकते। अब दोनों आंखें खोलकर गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी को एक्शन को देखो। बिना गर्दन घुमाए अपने दोनों आंखों में से अपने दाईं तरफ खड़े साथी एक्शन को देख सकता हूं। हाँ, देख सकता हूं। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? एक तरीके से मैंने बिना गर्दन, तो यहाँ लिखेंगे एक तरीके से मैंने बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। तो इसका आंसर लिखेंगे एक तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, जबकि दूसरे तरीके में बिना गर्दन घुमाए ही अपने साथी के एक्शन को देख पाता हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके में
बिना गर्दन घुमाए साथी को देख पाता हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का एक खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर, एक बार एक आंख बंद करके, किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? तो यहां लिखेंगे इसका आंसर है ये, दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ना आसान लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा लगता तुम्हें? ऐसा क्या क्या काम कर पाते हो जो अभी नहीं कर पाते हो? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते। तो यहां लिखेंगे, यदि ऐसा होता तो हम बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे चार गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वह चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई देती होगी? तो यहां लिखेंगे, 1 से 2 किलोमीटर दूर से। ठीक है, उनकी आंखें बहुत तेज होती है। मजेदार बात, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। देखो इन जानवरों को ये रंग कैसे दिखाई देते होंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद या काली ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कितने तेज हैं कान? तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हम पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो वो ऐसे जानवरों का नाम है, हाथी, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भैंस, हिरन, बिल्ली, गधा। ठीक है, कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। तो हाथी, खरगोश, चूहा, गाय, हाथी, खरगोश और गाय। सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान आकार उनके सुनने की शक्ति के संबंध में होता है? तो यहां लिखेंगे, हाँ, गहरा संबंध
होता है। करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ बोलो, बोले बाकी बच्चे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले, इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना, ठीक है? हाँ, मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? डेस्क बजाने पर ठुक ठुक की आवाज आती है। सांप भी कुछ ऐसे सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर कंपन को ही वह सुनिया महसूस कर पाता है, ठीक है? आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इसके लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन की लिए अलग तरह की आवाज, ठीक है? मछलियों के लिए खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती है, ठीक है? चलिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाजें निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, ठीक है? लिखो, क्या तुम्हें कुछ जानवरों की आवाज समझ सकते हो? किस किस की? तो यहां लिखेंगे मैं किसी भी जानवर की आवाज नहीं समझ सकता हूं। कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं, कौन कौन से हैं? तो यहां लिखेंगे पालतू जानवर की हमारी भाषा समझ सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बंदर और तोता। जिस तरह पक्षी हर बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उस तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना हो चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर।
बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी गहरी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुम्हें पता है कि सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकलियाँ कहाँ गुम हो जाती है? सोचा वो ये क्यों करती हैं? तो यहाँ लिखेंगे सर्दियों में छिपकली गहरी नींद में चली जाती है। ठीक है, स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसे पत्ते खाकर ही पलते हैं, इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, स्लॉथ का जगना 18 घंटे 24 घंटे स्लॉथ का सोना 12 घंटे 12 घंटे। अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखाई हो तो वह ऐसी दिखेगी। ठीक है, बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी? चित्रों को सोने को समय दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता होगा। तो गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। अपने आसपास किसी जानवर देख के किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हें मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न होगा, क्या जानवर आपस में बात करते हैं? और आगे देखते हैं क्या रहेगा। क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? चलिए इस तरीके से कुछ, वे क्या वे रंगों को पहचानते हैं? वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? वे हमें दुश्मनों से कैसे पहचानते हैं? वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं? उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? जब उसके बच्चे घायल होते हैं तो वे क्या करते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन हमें सोच सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना? बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उसके इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उसके बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना हो तो गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को अंतर को भांप लेता है। बाघ दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा भी घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके सबके बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन किन चीज़ों से खतरा होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांत, गेंडे को सींग और शेर मगरमच्छ को सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्ती हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवर को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं।
इनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। हम क्या समझे, क्या तुमने कभी ध्यान केंद्रित किया है? बहुत से गायक गायिकाएं गाते हैं, अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? ठीक है, उदाहरण देकर समझाओ कि जिससे हमें पता चलता हो कि जानवर देखने सुनने सूंघने की महसूस करने की शक्ति हमेशा तेज होती है। ठीक है, आओ बनाए एक सामान मोटा कागज, ये सब आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ताकि उन्हें आवाज की अच्छे आवाज अच्छे से समझ आए। तो देखते जैसे इसका वो है कुत्ते के पास पास जाते ही वह सतर्क हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पाठ था, आसपास हमारी ये पर्यावरण अध्ययन की बुक थी। ठीक है, ये पाठ आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आपको समझ में आया, कोई क्वेश्चन की दिक्कत तो नहीं हुई? और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह हम आपके पूरी जो पाठ हैं उसको करवाते रहें। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी नीचे कर दें।